झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसके पूर्व वह डुमरी से भी नामांकन कर चुके हैं। हाल ही में उनकी पार्टी में शामिल हुए गोमिया के गुणानंद महतो को भी टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह पर अमरेश महतो को टिकट दिया गया है। वहीं रांची सीट से प्रत्याशी बदला गया है। पूर्व में प्रेम नायक को टिकट दिया गया था, अब उनकी जगह राजकिशोर महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। जेएलकेएम के द्वारा अब तक 74 सीटों पर प्रत्याशी दिए जा चुके हैं। जेएलकेएम के द्वारा जारी इस लिस्ट में ये नाम शामिल हैं: बेरमो जयराम कुमार महतो, चंदन क्यारी अर्जुन रजवार, खिजरी सरिता तिर्की, गोमिया अमरेश महतो, लिट्टीपाड़ा मार्क बास्के, सारठ अजहर अंसारी, जामा देबिन मुर्मू, मांडू बिहारी महतो, शिकारीपारा अविनाश हेब्रम, रांची राजकिशोर महतो। आपको बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से अब तक 74 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। शुक्रवार को 9 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसमें केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो बेरमो से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। अन्य सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी जल्द ही कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन देखने को मिला था, जहां 8 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। उनमें 3 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए इनका हौसला बढ़ा है। वहीं जयराम महतो ने खुद ही 2.5 लाख से अधिक वोट हासिल किया था। वहीं रांची में भी इनके पार्टी के प्रत्याशी का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।